सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार शाहीन बाग प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है, लगातार अभी लीगल के पास यहाँ पर ये बच्चा है। क्या हुआ आपके साथ, क्या इंसिडेंट है? तो आप मैं आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि आप यहाँ पर लगातार क्या वाक्य क्या हुआ आपके साथ? चाय पीने गए थे, सब लोग चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। एक बुड्ढे को मार रहे थे, उसके बीच बचाव में हम गए थे, तो हमें उसको बुड्ढे को छोड़ के फिर हमें मारने लगे। वो कौन बुड्ढा था जिसको मार रहे थे, कौन था? वो भी ऐसी नॉन मुस्लिम ही था, उसको बुजुर्ग को देख के मार रहे थे कि तो भाई उसको बीजेपी वालों को की सपोर्ट कर रहा है उसको, और तो हिंदुओं को भी गाली दे रहा है। इस चक्कर में फिर हमने कहा भाई आपस में लड़ो मत, इस चक्कर में फिर हमें चार बंदों ने, 10-12 लड़के थे, उन लोगों ने फिर हमें मारा। तो आपको क्यों मारा? हमें इसलिए मारा क्योंकि ये बीच बचाव के लिए गया था कि इसको उल्टी सीधी गाली दी इसको, तब इसका ये मुसलमान है, ये शाहीनबाग से आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर शाहीनबाग के लड़के हैं, इन्हें मारो। चार पांच लोग और इकट्ठा हो गए, स्टार्टिंग तो हुई थी मुझसे, मेरा गिरेवान पकड़ लिया और कपड़े वाले मारने लगे, फिर मेरे बीच बचाव के लिए जावेद मेरे साथ में आया था, फिर चार पांच और इकट्ठे हो गए, वहाँ से हम बीच बचाव करके वहाँ से सबों को धक्का देते, वहाँ से भाग निकले, हम फैक्ट्री में आ गए। फैक्ट्री में आने के बाद जो है गेट के पास ही खड़े थे, हमने अपने ऑनर को जो हमारे सर हैं उन्हें बुलाया, उनसे ऐसे ऐसे बताया और फोन नंबर पर कॉल की थी हमने। फोन नंबर पर कॉल करने के बाद कई बार की नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से फोन नंबर को कॉल नहीं लग पा रही थी। कितने लड़के थे वहाँ? कम से कम 10-12 लड़के थे। वो क्या कह के आपको मार रहे थे? यही कह के मार रहे थे कि शाहीनबाग के इनको मारो, सारे कुर्ता पहचान लिया था उन्होंने कि भाई कुर्ता पहन रखा है लोगों ने, शाहीनबाग के उनको मारो। और बल्कि हमने उनको कुछ भी नहीं कहा था, खाली हमने किसी बुजुर्ग को बचाया था, नाम को हमारा कोई लड़ने का टेंशन था, हम देख रहे किसी बुजुर्ग को मार रहे हैं। ये कितने बजे का वाक्या, कितना बजे का? अभी का है डेढ़ घंटे पहले का वाक्या है ये। तब अच्छा यहाँ पर पांचों भी है सर, ये बातचीत आप इधर आइए, आप आइए, आप ये क्या वाक्य आपको क्या बताया गया, क्योंकि लीगल जो बना हुआ है शाहीन बाग में उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या वाक्य बताया इन लोगों? देखिए ये जो नफरत इस मुल्क में चल फैली हुई है वो नफरत सिस्टम में भी आ गई है। सिस्टम जो है वो किसी भी विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस तरह की। अब ये आइडेंटिटी बेस्ड क्राइम है, जो नेता लोग बोलते हैं ना कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो आज यही देखने में आया है कि इसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, इसलिए इसके ऊपर ये लेबल लगा दिया गया कि शाहीन बाग का है, हालांकि यह कुछ बदलता है, और फिर इसको इस वजह से मारा गया कि ये शाहीन बाग का है और ये मुसलमान है। अच्छा यहाँ पर एडवोकेट हैं, आप लीगल देखते हैं यहाँ पर? और दूसरी ये कि जब इन्होंने कॉल किया सोनभद्र में, जैसे ये बता रहे हैं, इन्होंने कॉल किया सोनभद्र पर, पुलिस आई तो पुलिस का सबसे पहला काम ये है कि वो इसका मेडिकल कराएं, और जो ये बता रहे हैं उसका इनका बयान लिखे, लेकिन पुलिस ने ये दोनों ही काम नहीं किए। सोनभद्र पर जो आपने कॉल किया वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया? खाली एक पुलिस वाला बाइक पर आया था, उसने कहा किस लड़के थे, किसने मारा था, हमें ले चलो वारदात पे, तो इस बाइक को ले गए थे वहाँ पर, फिर वहाँ पर देखा कोई लड़के मिले नहीं इनको, फिर इसको वहीं रास्ते पर छोड़ दिया, उनको ये नहीं लगा कि भाई दोबारा पकड़ सकते हैं वो अपना बंदा। एफआईआर वगैरह आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, खाली हमने फोन नंबर पर कॉल की थी, पुलिस वाला आया और देख के और चला गया बस, ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया पुलिस वालों ने। क्या क्या कह कर मारा आपको, क्या कहा? जब आए थे वहाँ पे बीच बचाव करके बस यही कह रहे थे शाहीन बाग का कुर्ता पहन रखा है, कुर्ता पहन रखा है मारो, शाहीन बाग का यही बोल रहे थे सारे, ईट फेंक फेंक के मार रहे थे वो लोग आप लोगों को। हाँ ईट फेंक फेंक के मार रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचे वहाँ से हम, बल्कि हमारा तो अटेंशन कुछ भी नहीं था, खाली एक बुजुर्ग को बचाया हमने, वो बुजुर्ग का तो काम करने गए थे वहाँ पे। आप लोग ऐसे करते क्या है, करते क्या है? एसी का काम है हमारा। अच्छा कौन सा शॉप वगैरह, कौन सा है, क्या है जिसके यहाँ काम करते हैं? शॉप अपनी है, अपना ही काम है। अच्छा आपका अपना काम है, ये बता रहे हैं कि आपका हमारा भी यही काम है, तो किस मालिक की बात आप बता रहे हैं जो करने गए हैं? जिसके काम कर रहे हो, जिसके पास गए थे उस ओनर की बात करो, उसको पता है, जहाँ का जो इंचार्ज है, जो मैनेजर है कंपनी का, वो भी तो उनको बताया था कि ऐसे ऐसे वाक्य हुआ, कह रहा अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद फिर लड़के आगे इसको देख ले, कुर्ते पजामा पहचान ले कि ये बंदा वही है। फिर गेट पे आने के बाद पहले बात मुझसे पूछा सबों ने क्या क्या होगा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला हो गया हमारे साथ, इन्होंने ये कह के मारा कि शायद बात की है, फिर उन्होंने छूटते ही हमें हम पे और हमला कर दिया। अच्छा आप लोग लीगल देख रहे हैं सारी चीजें, क्या आप क्या करेंगे, क्या कार्रवाई होगी? अभी हम इनको थाने ले जाते हैं, थाने से पता करते हैं कि पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करी है, बंदे को लगा भी तो कम से कम एमएनसी के लिए तो इनको भेजना ही चाहिए था, और हम पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके इस मामले को तूल ना देते हुए हम इसको रफा दफा कराएंगे कि भाई कैसे भी करके इनका इलाज हो जाए और पुलिस इनकी FIR लिखे। तो FIR वहाँ कराएंगे या कंप्लेन तो शाहीनबाग थाने में होगा ना इनका भी? जी हम शाहीनबाग थाने की तरफ जाएंगे इनको लेके, और लीगल की टीम बैठी है लगातार इनसे बातचीत कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं इन खबरों को आप तक पहुंचा सकें, क्या हकीकत है, हमने दोनों विक्टिम से बातचीत की है, हमने कोशिश की उन खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।